दिल्ली से कश्मीर की राजनीति में गए पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद वोटिंग से पहले ही सरेंडर मोड पर आ गए। चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद अब आजाद ने प्रचार भी नहीं करने का फैसला कर लिया है। वैसे तो आजाद ने इसका कारण स्वास्थ्य बताया, लेकिन ऐसे चुनावी वक्त में उनके इस ऐलान के अलग ही सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में एक सवाल पूछा जा रहा है कि सच में स्वास्थ्य की वजह से आज़ाद ने कश्मीर से दूरी बना ली। 2022 में कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने खुद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई। आज़ाद ने अपनी पार्टी में उन नेताओं को जोड़ा जो कांग्रेस या अन्य पार्टियों से नाराज चल रहे थे। शुरुआत में कहा गया कि आज़ाद की पार्टी घाटी की अधिकांश सीटों पर फोकस कर रही है। आज़ाद ने भी कश्मीर में पूरा दमखम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। 1970 के आसपास राजनीति में कदम रखने वाले गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आज़ाद केंद्र की कई सरकारों में मंत्री भी रहे। आज़ाद 2014 से 2021 तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, तो वहीं कांग्रेस के भीतर आज़ाद की गिनती शीर्ष नेताओं में होती थी। मार्च 2024 में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने गुलाम नबी को बारामूला सीट से प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन नाम ऐलान होने से कुछ दिन बाद ही आज़ाद ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके बाद चुनाव में आज़ाद की पार्टी की तरफ से 3 जगहों पर उम्मीदवार उतारे गए। चुनाव आयोग के मुताबिक 3 सीटों पर BPAP के उम्मीदवारों की 80,264 वोट ही मिले। तीनों ही सीट पर आज़ाद की पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त हो गई। इसके बाद गुलाम के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू हुईं और कहा गया कि वो अपनी पुरानी बदरवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आज़ाद ने मैदान में नहीं उतरने की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की सीटों के लिए प्रचार शुरू हो गया है। इनमें अधिकांश वो सीटें हैं जहाँ आज़ाद की पार्टी खुद को मजबूत मान रही है। आज़ाद की पार्टी पहले चरण में 24 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन प्रचार शुरू होते ही आज़ाद ने रैली नहीं करने की घोषणा की है। आज़ाद की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है और इसलिए वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। आज़ाद ने अपने नेताओं से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको पर्चा वापस लेना हो तो ले सकते हैं। आज़ाद बैकफुट पर क्यों आए, आइए जानते हैं इसके 3 पॉइंट्स। पहला, जम्मू कश्मीर में आज़ाद को किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन की उम्मीद थी, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। पहले कहा गया कि कश्मीर में आज़ाद की पार्टी BJP से गठबंधन कर सकती है, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। फिर बीच में चर्चा उड़ी कि आज़ाद की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, आज़ाद यहाँ भी फेल हो गए। दूसरी वजह आपको बताएं तो घाटी में राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 एक बड़ा मुद्दा है। आज़ाद का इस पर रवैया धुलमुली रहा। जब केंद्र सरकार 370 हटा रही थी उस वक्त आज़ाद ही नेता प्रतिपक्ष थे। कहा जाता है कि आज़ाद खुद लड़कर इस गुस्से का शिकार नहीं होना चाहते थे, इसलिए लोकसभा चुनाव में गुलाम नबी ये रिएक्ट दे चुके हैं। अब आते हैं तीसरी बात पर। तो पॉइंट ये है कि शुरुआत में तारचंद से लेकर कई बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में गए, लेकिन अब उनमें से अधिकांश नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो घाटी में लड़ने के लिए आज़ाद के पास ना तो वर्तमान में नेता है और ना ही कोई नीति है।